अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बड़ा खूबसूरत, देखें ये बीड्स का नेकलेस है। बीड्स के साथ मैंने इसको तैयार किया और साथ साथ मैंने ये वाइट कलर की बारीक वाली कोड ली है, ठीक है। तो इस ये देखें ये बहुत खूबसूरत लगता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वाइट कलर के मैंने बीड्स लिए हैं, पर्ल्स मैंने लिए हैं, ठीक है। आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, इसमें हर कलर में बीड्स आपको मिल जाएंगे। और ये जो कोड है ये भी हर कलर में आपको अवेल होगी। आप कलर्ड कोड लेके वाइट बीड्स भी लगा सकते हैं, जिस कलर के आप कोड लें उसी कलर के बीड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजीली और बहुत आराम से बन जाते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें मैं आपको बनाना बताती हूँ ये किस तरीके से बनाया मैंने और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं जैसे जैसे आपके साथ ये शेयर करती जाऊँगी वैसे वैसे आपको इसकी समझ आती जाएगी। ये बहुत ईजीली और बहुत आसानी के साथ बन जाता है। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और साथ साथ कमेंट्स दें। तो मैं ये स्टार्ट करती हूँ, ठीक है जी व्यूअर्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें सीज़र चाहिए इसके लिए, उसके बाद मुझे क्रोचेट हुक चाहिए। ये देखें इसकी हुक बहुत बारीक है, ठीक है, क्योंकि हमें कोड का इस्तेमाल करना है, थ्रेड का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए हमें इसकी नीडल जो है 1.75 है mm, ठीक है। 1.75 भी ले सकते हैं, 1.50 भी आप ले सकते हैं। उसके लिए सीज़र चाहिए, साथ साथ ये लाइटर मुझे चाहिए होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये देखें ये बीड्स हैं, ठीक है, ये इस तरह से बीड्स मुझे चाहिए होंगे। आप इसमें साइज़ छोटा भी ले सकते हैं, इससे बड़ा मत लीजिएगा फिर वो ज़्यादा ओवर हो जाएगा। इससे छोटा साइज़ आप यूज़ कर सकते हैं, कलर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये देखें ये कॉर्ड है, पैराशूट की ये कॉर्ड मैंने ली है। ये देखें ये इस तरह से इसकी जो है वो आती है पैराशूट की जो कॉर्ड की जो है ये इसको क्या कहना चाहिए, नलकी भी कहते हैं इसको। और ये इस तरीके से आती हैं, पूरा एक रोल आता है इसका, मैंने वाइट कलर में लिया है। और अब इसमें देखें ये बीड्स लेके यहाँ से थ्रेड को हम थोड़ा सा देखें इस तरह करके ये, ताकि यहाँ से आगे से इसके जो लैदा लैदा से रेशे हैं वो लैदा ना हो। तो हमने यहाँ से इसको इस तरीके से कर लिया लाइटर के साथ, और यहाँ से हम इसमें बीड्स को यूँ इस तरीके से हम बीड्स को इसके अंदर जो है वो प्रो लेंगे। और देखें आप अगर इसके साथ नहीं लाइटर के साथ इसको करके तो करना चाह रहे बीड्स को इस तरीके से नहीं करना चाह रहे तो आप नीडल भी ले सकते हैं, ठीक है। नीडल लेके आप उसमें ये डाल के कोड को तो फिर आप बीड्स जो हैं वो इस तरीके से इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन हमें बीड्स जो हैं वो धागे के अंदर चाहिए, इस तरीके से उनको करके हम जो है वो यूज़ करेंगे इसको। तो ये देखें इस तरीके से हमें ये बीड्स जो हैं करने हैं। और एक फ्लावर जो है हमने इसका जो बनाया है उसके एक फ्लावर के लिए हमें 7 बीड्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। एक फ्लावर के लिए 7 बीड्स चाहिए और कम से कम ये 7 से 8 फ्लावर जो हैं वो हमारे बनेंगे, ठीक है। मैंने ये 8 फ्लावर्स बनाए हैं, आप 7 भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको लेंथ में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें चाहिए बीड्स, मैंने इसमें कर लिए हैं। अब हमें चाहिए क्रोचेट हुक के साथ इसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने लिया है इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चेन है। ये चेन आप 40 लें या 50, 40 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये चेन बैग पे इसको बांधने के लिए यूज़ होंगी, आपका जो मैंने ये बनाना है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसी तरीके से 40 चेन या 50 चेन आप कर लीजिए। मैं 50 चेन करूँगी, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप 40 भी कर सकते हैं 50 भी। और अगर आप इसको ज़्यादा लंबा बनाना चाहें पीछे गिरा लगाने के लिए बैक पे तो 60 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं ये कंप्लीट करती हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें।
मैंने 50 चेन कर ली है, ठीक है। 50 चेन करने के बाद हमने करना है यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 चेन एक्स्ट्रा लेनी है। 4 चेन लेने के बाद 1, 2, 3, 4 फोर्थ चेन में हम लेंगे डबल क्रोशिया इस तरीके से, ठीक है। ये डबल क्रोशिया आ जाएगा और हमारा यहाँ से ये देखें, ये चेन जो है इस तरह छोटा सा सर्कल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब ये छोटा सा सर्कल हमारा बनेगा, ठीक है, यहाँ पर ये छोटा सा सर्कल बन जाएगा। यहाँ से हमें अब बीड्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लेंगे बीड्स जो है वो 6 बीड्स लेंगे, ये देखें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 6 बीड्स लेंगे हम उसको और यूँ टाइट करके, तो यहाँ से हम लेंगे ये देखें, इसके साथ यहाँ पर स्लिप स्टिच की तरह यहाँ से ये देखें और इसको टाइट कर देंगे, तो ये हमारा इस तरह फ्लावर सा आ जाएगा। और यहाँ से हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमने स्लिप स्टिच ले लिया था और 1 चेन लेंगे, ठीक है, इस तरीके से 1 चेन लेंगे, ये देखें, ये इस तरह। अभी मैंने इसको इतना टाइट भी किया है, फिर भी जो है ये थोड़ा लूज़ हो गया। इसको जितना टाइट कर सकें आप वो कोर्ड को खींच के, क्योंकि ये कोर्ड जो है थोड़ी रेशमी टाइप है, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद 1 हमें और चाहिए बीड, तो 1 बीड हम और लेंगे इस तरीके से, ये ठीक है। बीड लेने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे कॉर्ड को अपने, क्योंकि ये पैराशूट है इसलिए ये फिसल जाती है। यहाँ से लेकर थोड़ा लूज़ करेंगे और यहाँ से हम लेंगे एक स्लिप स्टिच और यहाँ पर दोबारा एक चेन ले लेंगे। पहले हमने यहाँ से स्लिप स्टिच लेकर एक चेन ली, फिर अब हमने यहाँ स्लिप स्टिच लेकर एक चेन ली और अब हमें जाना है 1, 2, 3। ये देखिए 3 इस साइड पे कर देंगे हम, 3 इस साइड पे कर देंगे और इनके मिड में ये जो आ रहा है यहाँ से, ये देखें, ये 3 इस साइड पे आ गए, 3 इस साइड पे, और मिड में ये जो कोड आपको नज़र आ रही है ये देखें, ये इनके मिड में ये कोड नज़र आ रही है। यहाँ से हमें लेना है ये इस तरीके से, ये इसको टाइट कर लेंगे और यहाँ से हमें लेना है सिंगल क्रोशिया, ये तो ये हमारा एक फ्लावर जो ये देखें कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे अगेन 1, 2, 3 और ये 4 फोर चेन और फोर्थ चेन में 1, 2, 3 फोर्थ चेन में दोबारा हम लेंगे यहाँ पर ये डबल क्रोशिया कुछ इस तरीके से। यहाँ भी हमने इसी तरीके से बनाया है, यहाँ पर भी अगेन हमने इसी तरीके से बनाया है। अब दोबारा हमें जो है वो 6 जो है ये चाहिए बीड्स, ये देखें 6 बीड्स मेरे पास आ गए। इनको टाइट करेंगे इस तरीके से स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ से, और अच्छे से टाइट कर लेंगे दोबारा इसको हम, ये देखें। टाइट करने के बाद यहाँ पर लेंगे हम 1 चेन, ये ठीक है। और नेक्स्ट जो 1 बीड हमारा रह जाएगा, क्योंकि 7 बीड हमें यूज़ करने हैं एक फ्लावर में, तो यहाँ से इसको थोड़ा लूज़ करेंगे कोर्ड को अपनी और यहाँ पर लेंगे अगेन स्लिप स्टिच और यहाँ पे लेंगे 1 चेन और अगेन देखें 3 बीड्स इस तरफ, 3 बीड्स इस तरफ, इनके मिड में ये देखें आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से हम लेंगे ये अपना सिंगल क्रोशिया इस तरीके से और अगेन 1, 2, 3, 4 चेन और यहाँ पे फोर्थ चेन में से हम लेंगे डबल क्रोशिया इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से टोटल हमें ये जो है 7 बनाने हैं। आप 7 बना लें या 8, मैं यहाँ पे 7 बनाऊंगी। 1, 2 मैंने बना लिए। इसी तरीके से 7 फ्लावर्स हमें कंप्लीट करने हैं, तो चले ये 7 फ्लावर्स कंप्लीट करते हैं। तब तक आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेरे ये फ्लावर्स कंप्लीट हैं। आप 8 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आपने छोटे बच्चों का बनाना है तो इसको 4 पे या 5 पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, ये 7 मैंने कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर अगेन हमें जो है 1, 2, 3, 4 चेन लेके फोर्थ चेन में से डबल क्रोशिया लेना है, जैसा यहाँ पर हमने स्टार्ट में किया था, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरीके से आया था, इसी तरीके से यहाँ आ गया। और जैसे मैंने पहले चेन ली थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 50 चेन जो मैंने ये ली थी, इसी तरीके से 50 चेन कंप्लीट करूँगी। तो चलें मैं कंप्लीट करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। यहाँ 50 मैंने चेन ले ली है। 50 चेन लेने के बाद हम वूल को यहाँ से कट कर देंगे और एक और चेन लेकर इसको कंप्लीट करके तो इस तरीके से ये निकाल देंगे, ठीक है। ये देखें, इसलिए मैंने कहा था लाइटर के साथ इसको हमें यहाँ से करना, ग्रिप करना होता है। ये देखें, यहाँ से ये इसके रेशे जो हैं वो लैदा लैदा हो गए हैं। लेकिन खैर, अब देखें यहाँ पर मुझे लेना है एक बीड अगेन, ठीक है। ये और इसी तरीके से यहाँ से मुझे एक बीड इसमें डालना है, और देखें यहाँ पे जो लास्ट में हमने ये लिए चेन, जो हमारी सबसे पहली चेन थी, उसमें से 1 टाइम इसको निकालें, ठीक है। फिर 2nd टाइम निकालें यहाँ से, फिर आप 3rd टाइम निकालें इसको, इस तरीके से ये 3rd टाइम 4th टाइम निकालने के बाद जो है वो यहाँ पे एक गिरा की तरह बन जाएगा इसका, जिसमें से बीड आपका जो है वो बाहर नहीं आ सकेगा। ये देखिए ये, ठीक है। अब जब यहाँ पे इस तरीके से हो गया, बाकी जो है वो हम इसके साथ कट करेंगे सीजर के साथ, और ये छोटा सा जो रह गया इसको हम लाइटर के साथ करके इसके साथ वो अटैच कर देंगे। तो ये देखें ये, ठीक है, इसका ये कॉर्नर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमें ये कॉर्नर तैयार करना है। इसके लिए भी हमें जो लास्ट हमने यहाँ पे चेन ली थी, उसमें से 3 से 4 दफ़ा इसको इसी तरीके से निकालेंगे वूल को, सॉरी वूल कह रही हूँ कॉर्ड को, 1 टाइम टू टाइम इसी तरह इसको निकाल कर 3 टाइम तो हम कट करेंगे, और उसके साथ लाइटर के साथ इसको जो है वो ठीक करके, ये देखें यहाँ भी और करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, इसको इसके साथ करके करने के बाद जो है ना यहाँ से हम कट कर देंगे, और लाइटर के साथ इसको भी ठीक करके तो इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। ये दोनों साइड मैंने एडजस्ट कर दी हैं, इस तरीके से इनको करने के बाद एडजस्ट कर लेंगे। अब ये देखें, ये इस तरीके से हमारा जो है वो तैयार है नेकलेस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमें और काम करना है, उसके लिए क्या करना है हमें, यहाँ पर देखें ये जो चीज़ है, ये हमने 4 चेन और 1 डबल क्रोशिया लिए थे, इसके मिड में से हमें लेना है। इसको हम बूल को अगेन कर लेंगे ज़रा, कॉर्ड को
ताकि इसके रेशे जो हैं वो तंग ना करें हम, ठीक है। और यहाँ पर हम लेंगे मैजिक नॉट। मैजिक नॉट लेने के बाद यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, देखें ये जो जगह फोर चेन और डबल क्रोशिया, उसके मिड में से हम स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे एक सिंगल क्रोशिया, इसको अटैच करेंगे इसके साथ, ठीक है। लेंगे वन टू थ्री चेन, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेंगे वन टू थ्री चेन, और यहाँ पे हम ले लेंगे स्लिप स्टिच थर्ड चेन में से पीको के लिए, कुछ इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे अगेन इसी में से दोबारा डबल क्रोशिया, ये हमारा सेकंड आ जाएगा डबल क्रोशिया, वन टू थ्री चेन। और यहाँ पर देखें ये डबल क्रोशिया जहाँ से हमने लिया है, ये यहाँ से हम लेंगे ये, अगेन लेंगे डबल क्रोशिया, थर्ड वाला थर्ड डबल क्रोशिया हमारा आ जाएगा, वन टू थ्री, ये पीको के लिए। और ये जो डबल क्रोशिया दो आ रहे हैं उनके मिड में जो जगह रहे हैं वहाँ से हम लेकर इसको इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ हमारा आ जाएगा डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, और यहाँ पर ये इस तरीके से फोर पीको आ जाएंगे, वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब हमें जंप करना है नेक्स्ट यहाँ पर, यहाँ पर देखें ये हमारे पास इस तरीके से होल आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ जंप करेंगे फर्स्ट डबल क्रोशिया, वन टू थ्री चेन पीको के लिए, और यहाँ से ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हम लेंगे पीको के लिए इस तरीके से, ठीक है। अगेन इसी में से ये देखें होल जो है सेकंड डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, और ये सेकंड पीको। अगेन लेंगे थर्ड डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, और ये थर्ड पीको। लास्ट इसमें से हम लेंगे फोर्थ डबल क्रोशिया और अपनी फोर्थ पीको, वन टू थ्री, और ये हमारी फोर्थ पीको कंप्लीट है। ये देखें ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेंगे जंप करेंगे नेक्स्ट पे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये देखें डबल क्रोशिया और जो हमारी फोर चेन थी उनके दरमियान में ये होल आ रहा है, ठीक है। ये देखें ये होल आ रहा है, यहाँ से हम लेंगे इसको स्टार्ट करेंगे टाइटली, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, ये हमारी फर्स्ट पीको आ जाएगी। इसी तरीके से ये देखें ये इसी तरीके से लेते हुए ये सब में से हमें बारी बारी जो है फोर डबल क्रोशिया फोर पीको इधर फिर लेना है, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, और फिर यहाँ पर लास्ट में लेकर इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलें इसको मैं कंप्लीट करती हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ये देखें यहाँ से ये मेरा कंप्लीट है सारा, लास्ट में मुझे एक दफ़ा और लेना है वन टाइम जो है यहाँ से, ये लास्ट जो है यहाँ पर आएंगे हम जंप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर हम लेंगे डबल क्रोशिया, जैसे स्टार्ट में हमने लिया था थ्री चेन, और अपनी फर्स्ट पीको लेंगे, यहाँ पर सेकंड डबल क्रोशिया सेकंड पीको, वन टू थ्री, और ये सेकंड पीको, थर्ड डबल क्रोशिया, और ये हमारी थर्ड पीको, और ये लास्ट हमारा फोर्थ डबल क्रोशिया, ठीक है। और ये हमारी फोर्थ पीको आ जाएगी यहाँ पर इस तरीके से, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक स्लिप स्टिच के साथ इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, और वन चेन लेके इसको कंप्लीट करते हुए हम वूल को यहाँ सॉरी कॉर्ड को यहाँ से कट कर देंगे।
और यहाँ से हमें क्या करना है, जैसा कि पहले मैं कर रही थी, इसके साथ करने के बाद साथ ही हमें इसको इसके साथ एडजस्ट कर देना है। ये देखिए, इसी तरीके से जो फ्रंट से हमने लिया था उसको भी मैं इसी तरीके से लेते हुए यहाँ पे ये एडजस्ट कर दूँगी इस तरीके से, ठीक है। ये उल्टी साइड पे करना है आपने इसको, ठीक है, सीधी साइड पे नहीं। अब ये देखें, ये मेरा नेकलेस जो है बिल्कुल तैयार है। बहुत इजी और बहुत आराम से ये तैयार हो जाता है। ये देखें, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आप नेक पे आप लगा के इसको बैक से इस तरीके से आप इसको ये देखिए, ये मैंने जो पहले तैयार किया है वो मैंने 8 के साथ तैयार किया था। 8 फ्लावर्स हैं इसमें, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 फ्लावर्स के साथ मैंने तैयार किया था। ये जो मैंने तैयार किया ये मैंने 7 फ्लावर्स के साथ तैयार किया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये देखें, ये दोनों इस तरीके से ये तैयार हैं। तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आराम से बहुत आसानी से ये बन जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। कलर कम्बिनेशन आपका अपना है, आप अपने ड्रेसेस के साथ मैचिंग करके इनको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो साथ साथ मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं और साथ साथ कमेंट्स जरूर दें। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आराम से बहुत आसानी से ये तैयार हो जाता है। इसके साथ ही मुझे नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।